नमस्कार, मेरा नाम हरविंदर सिंह गरेवाल है। आई एम ऑनर ऑफ गरेवाल पेट शॉप एंड फार्म। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गोल्डन रिट्रीवर, इसकी बहुत समय से डिमांड हो रही थी। ये ब्रीड मोस्टली जो ब्रीड की गई स्कॉटलैंड में की गई, देन आफ्टर दैट ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है, काफ़ी मोर देन लैब्राडोर। तो इसका कुछ रीज़न है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परफेक्ट फैमिली डॉग है, मोर देन लैब्रा। तो आप इसको फैमिली डॉग, मोस्टली बच्चों के साथ ये बहुत सेफ डॉग है। इसका माउथ इतना सॉफ्ट होता है कि ये एक समय जो बिना बॉयल किए 3 एग अपने मुंह में रख सकता है विदाउट ब्रेकन, उसको बिना तोड़े। ये मोस्टली इंडोर ब्रीड भी है। अगर आपका छोटा अपार्टमेंट, छोटा घर है, आप इसको ले सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम जो ऑनर है उसके लिए टोटल सेफ डॉग है। जो मेरे फ्रेंड्स फर्स्ट कुछ बड़ा डॉग, लार्ज ब्रीड डॉग लेना चाहें तो गोल्डन रिट्रीवर इज द फर्स्ट ऑप्शन। ये बट जब छोटा घर हो तो इसको 2 टाइम सुबह शाम वॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिजिकल एक्सरसाइज इसकी होनी चाहिए, नहीं तो ये वेट गेन कर लेते हैं। इसका मोस्टली वेट अगर 30 के आसपास रहेगा तो ये फुल एक्टिव रहेगा, हर टाइम अलर्ट रहेगा। लेकिन ये ब्रीड बार्क बहुत कम करती है, इज ऑलवेज फ्रेंडली ब्रीड, लेकिन ये एक अडॉप्टेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। ये ब्रीड ज़्यादा गर्म वेदर में नहीं रह पाती, उसके लिए हमें थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा। जैसे नॉर्थ इंडिया में आजकल ऑलमोस्ट 40 डिग्री टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में इसको हम एक ठंडे कमरे में विद द कूलर फैन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ माई फ्रेंड, इन सब बातों का जरूर ध्यान रखिए। इनकी एज लगभग कुछ 10-12 साल के आसपास तक होती है, लेकिन द मेन प्रॉब्लम जो अडल्ट में जाकर आती है वो आती है इनके हिप में प्रॉब्लम। इसका बॉडी वेट, बॉडी स्ट्रक्चर हिसाब से है कि हिप में ये मकसद इनके प्रॉब्लम आती है। तो जब चाइल्डहुड से ही हम कंटिन्यूस अगर इसको कैल्शियम देते रहें विदाउट स्टॉप तो ये मच बेटर है उसके लिए। एंड ये ब्रीड एक्टिव ज़्यादा होने के कारण, इंडियन एटमॉस्फेयर को जल्दी अडॉप्ट ना करने के कारण, या ग्रूमिंग की इसको मस्त ज़रूरत होती है। इनका हेयर कट होना चाहिए कॉम, दिन में 3 टाइम होनी चाहिए। जब हेयर फॉल हो रहा हो स्पेशली 3 टाइम, नहीं तो ये बाल जो डेड बॉल हैं वो दूसरे बालों के साथ चिपक कर एक गुच्छा जैसा बन जाता है, तो दैट इज़ नॉट लुकिंग वेरी नस्टी। ये एक बहुत बेहतर ट्रेनर डॉग है। आप इसको कुछ भी सिखाओगे, इवन घर में ही सिखाओगे बिस्किट के या कोई भी इसका फेवरेट स्नैक्स के थ्रू, ये बहुत जल्दी कैच करता है। एंड ईजी, एंड सो ईजी फॉर किड्स, इसको बच्चे भी सिखा सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ एंड लेडी के साथ बिल्कुल सेफ है, क्योंकि जिस ये ब्रीड बहुत ही केयरिंग ब्रीड है, ये अपने ऑनर का बहुत ध्यान रखती है। लेकिन प्लीज़ इनके सोशलाइज कर रखिए चाइल्डहुड से ही बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और इनके बालों का ग्रूमिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जैसे हिप की प्रॉब्लम नेसेसरी एज में जाकर एक अडल्ट एज में आती है, तब हिप के लिए को कैल्शियम और जो प्रोडक्ट उसके रिलेटेड होते हैं वो इसको ज़रूर दीजिए, तभी आपका डॉग एक हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ जिएगा जब तक वो आपके साथ है। मैनी मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई शो लाइव शो। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार फिर आपको बहुत सॉरी अपोलोजाइज फील करता हूँ कि लाइव शो के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं, लेकिन वी आर डूइंग अवर बेस्ट कि 1-1.5 घंटे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम जवाब दे सकें, हम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एमरजेंसी आपके डॉग को, देर इज़ समथिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप प्लीज़ सुपर चैट यूज़ कर वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल टॉप पर आ जाएगा और बाकी के क्वेश्चन ब्लॉक कर देगा, तो हम आपके जवाब क्वेश्चन का जवाब पहले दे पाएंगे, बाकी का बाद में। तो प्लीज़ सुपर चैट जरूर यूज़ कीजिए अगर एमरजेंसी या कोई बात आपको पूछनी मुझसे बहुत ज़रूरी है लाइव शो के दौरान। तो अभी जो मैंने आपको ब्रीड के बारे में बताया, ये इज वेरी गुड फॉर यू। जितनी जल्दी हो सके आप अपने घर में लेकर आइए, गर्मियों की छुट्टियां हैं, वकेशन है, आराम से रखिए। लेकिन जब भी आप डॉग को, पपी, जब जो भी ब्रीड परचेज करो उसको सेम एक ही टेम्परेचर में रखिए। अगर एसी में है तो एसी में कंटिन्यूस रखिए, अगर आपके घर में फैन कूलर है तो उसके आगे रखिए। ऐसा ना हो कि आप दोपहर कहीं और है, रात कहीं और है, तो डॉग को इस मौसम में जुकाम हो जाता है। तो प्लीज़ ये ब्रीडों का ध्यान रखिए। एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई शो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको जरूर अपने फ्रेंड्स को बताइए हमारे मेरे बारे में, वो जो भी चाहते हैं, आई लव टू हेल्प यू। और उसके साथ मेरी जो और वीडियो कंटिन्यूस आती रहती हैं, लाइव शो भी आता रहता है, प्लीज़ जरूर वॉच कीजिए। मेरा एक ऐप भी है, भोला शोला, प्ले स्टोर के ऊपर जाकर आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें मेरी बहुत सारी वीडियो है,
कि पप्पी को कैसे संभालना है से लेकर अडल्ट तक, आप उसको कंप्लीटली वॉच कीजिए अगर आपके पास समय है तो। मेरी ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होती, 5-6 मिनट के आसपास की होती है, लेकिन आप वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। आपको देर सवेर रात को अगर डॉग को कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो दैट्स हेल्प यू अ लॉट। आप कभी भी पैनिक नहीं होगे और अपने डॉग को अच्छी तरह एक फर्स्ट एड दे पाओगे। सेकंड, हमारा एक वेबसाइट भी है www.bholashola.com, उस पर आपको डॉग का पपी से लेकर अडल्ट तक का हर एक सामान मिल जाएगा, आपके घर में होम डिलीवरी हो जाएगी अगर आप किसी कारणवश बाहर नहीं जा पाते। लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड से पूछते हैं कि कौन सी कंपनी का मल्टीविटामिन दूं, कैल्शियम दूं, आप एक बार प्लीज़ चेक इन कीजिए मेरे वेबसाइट के ऊपर। अगर वही प्रोडक्ट आपको घर के पास ही में मिलता है तो वहाँ से परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर एक बार चेक इन कर लोगे तो एक्चुअली आप अच्छी तरह पढ़ पाओगे, रेकोगनाइज कर पाओगे कौन सी चीज़ डॉग को कब देनी है। उससे मेरा एक हेल्प ये हो जाती है कि अगर आप वो प्रोडक्ट लाते हो तो मुझे उसकी डोज या टाइम बताना आसान होता है, या वो चीज़ प्रोडक्ट कुछ भी हो कॉलर से लेकर केज तक, तो मुझे बताना या व्हाट्सअप के ऊपर हेल्प करना आसान होगा कि उसको कब क्या और कैसे देना है। तो प्लीज़ माई फ्रेंड, मेरी ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए, हमारी वेबसाइट के ऊपर चेक इन जरूर कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।